नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और आज हम एक पावर पॉइंट का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कर रहे हैं, ओवरले टू इमेजेस। मतलब मींस दो इमेजेस को ओवरलैप करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, मर्ज करना बोल दीजिए, ओवरले बोल दीजिए, ओवरलैप बोल दीजिए, ये हमें करना है इस बार। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ग्राफिक्स बनाने का रहता है कई बार ये, तो चलते हैं फिर हम, है ना। पावर पॉइंट में आ गए, हमारी एक न्यू स्लाइड हमने ले ली है और इस पे हम पिक्चर लगाते हैं। एक कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं एक बार। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने एक पिक्चर ले ली यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी स्लाइड की डिज़ाइन आ रही है, इसको हाइड करने के लिए हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स कर दो। ठीक है, अब हमें क्या करना, एक इमेज ले ली सिंपल बैकग्राउंड इमेज और इसको आप हटा दें, ये बैकग्राउंड इमेज है। अब मैं चाहता हूँ उस पर ऊपर एक और इमेज लगाना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, एक शेप ले लेते हैं अपन जिससे अपन इसको ढक दें और उस शेप पे इमेज लगाएंगे। ठीक है ना, ये लीजिए एक शेप मैंने ले ली। ठीक है, और इस शेप के ऊपर इसका भी मैं फॉर्मेट शेप करता हूँ, है ना, ये आ गया। अब इसके ऊपर मैं पिक्चर और टेक्सचर फिल, इसके ऊपर मान लीजिए यही इमेज ले लेते हैं, ये इमेज लगा देते हैं। ठीक है, इस आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या करा है, इंसर्ट जो हमारी एक शेप थी उसके ऊपर ये इमेज लगाई है और इसके पीछे एक वो चाणक्य जी की वो इमेज थी वो है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, बस सिंपल हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी कम और ज़्यादा करनी है। क्लियर है, ये देखिए बहुत ही ईजी होता है पावर पॉइंट में। ये लीजिए, मान लीजिए ये लीजिए, ठीक है ना, और इसको आप देखिए कितनी प्यारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो इमेजेस को इस तरीके से हम ओवरले कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजाइन में जाना है और हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाना है और वहां एक इमेज लेनी है। बस पिक्चर और टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और फाइल से एक इमेज लेनी है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप हमारा है कि एक शेप लेनी है हमें, रेक्टेंगुलर एक शेप ले लेते हैं और उस शेप के ऊपर फिर वापस फॉर्मेट बैकग्राउंड फुल इमेज, यानी उस शेप पे भी एक बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है और उस इमेज की ट्रांसपेरेंसी हमें कम या ज़्यादा करके हम एक इमेज इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके, बहुत सिंपल तरीके से हम दो इमेजेस को मर्ज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता रहूँगा। थैंक यू।